हेलो एच एस सी कॉमर्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर मैथ्स 1 एंड टुडे वी गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 2.5 इन मैट्रिक्स। कर सकते हो यानी कि फाइंड इनवर्जन मेथड बोला है तो हम लोग या तो उसमें एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं और या तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। एडजॉइंट मेथड आप दोनों में से मेथड से आंसर निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। हम लोग बेटर होगा कि हम लोग यूज करें एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड 2.6 का ये फर्स्ट सम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम में क्या बोला है हमें 2x plus 3y is equal to 5, 6x minus 2y is equal to 4। कन्वर्ट द इक्वेशन इन मैट्राइस। सबसे पहले मैंने ये लिखा कि जब भी हम लोगों को यहाँ पे दिया है दो इक्वेशन, क्या दिया हम लोग को दो इक्वेशन, हम लोगों को उस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अब हम लोग इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये है एक्स, ये है वाई। एक्स और वाई जो सब्स्टिट्यूट है वो हम लोग रख देंगे, ये टू और थ्री है तो हम लोग यहाँ पे लिखा टू थ्री, ये है सिक्स, यहाँ पे है माइनस टू, हमने लिखा सिक्स माइनस टू क्योंकि हम लोग को साइन के साथ लेना है। यहाँ पे प्लस है, प्लस की साइन हम लोग कभी देते नहीं है। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे x और y, यानी एलिमेंट क्या है हमारे x और y, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x और y। इस तरीके से हम लोग हमेशा इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट 5 4 वो आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। अब जब भी हमें बोला है फाइंड मेथड ऑफ इन्वर्जन, जब भी हम लोग को बोला है सम में कि इन्वर्जन फाइंड आउट करो तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे ax is equal to b। क्या लिखा हमने ax is equal to b, हम लोगों को निकालना क्या है इनवर्स। क्या इसमें कहीं पे इनवर्स है? नहीं, यहाँ पे तो है ax is equal to b, तो सबसे पहले मुझे इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया x को यहीं पे रखा, a हमारा वहां पे चला गया तो क्या बन गया वो a इनवर्स b। x को हमने यहीं पे रखा, जब a वहां पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले सब में बाइफरकेट करते हैं, ये a मेरा सम में क्या है, x क्या है और b क्या है, तो मैं आपको बता दूं a मेरा सम में क्या है, ये है 2 3 6 minus 2। मेरे सम में b क्या है, तो b होगा हमारा ये पार्ट, ठीक है, जो इक्वल टू के उस तरफ होता है वो हमारा होता है b, दैट इज 5 4 ओके। और x क्या है, तो x है हमारा ये x y, ठीक है, ये x जो है वो हमेशा आपको कैपिटल में लिखना है x y। यहाँ पे हमने इसे लिखा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स है a, a is equal to 2 3 6 minus 2, हम लोगों को सम में निकालना क्या इनवर्स। और हमेशा मैंने बोला है, हमने लास्ट लेक्चर में किया है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी किया है कि हम लोग जब भी इनवर्जन निकालते हैं चाहे वो किसी भी मेथड से हो, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 into 2 का ऑर्डर है ये, क्या करेंगे हम लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस प्लस तो माइनस आएगा, माइनस 6 3 जा 18, माइनस 4 माइनस 18 दैट इज माइनस 22। क्या ये जीरो है हमारा, जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इनवर्स एक्सिस्ट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स एक्सिस्ट। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा से 2.5 के पहले के सब जो हमने किए ना एडजॉइंट मेथड, बस अब पूरी की पूरी मेथड हमारी सेम एडजॉइंट मेथड, हमको एज इट इज कॉपी करनी है। एडजॉइंट मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमेशा कोफैक्टर, और कोफैक्टर किसे बोलते हैं तो मैं फिर से याद दिला दूं, कैपिटल ए 11 कैपिटल ए 12 कैपिटल ए 11 कैपिटल ए 12 कैपिटल ए 21 एंड कैपिटल ए 22 दीज आर नोन एज आवर कोफैक्टर्स, ठीक है। हम लोग निकालेंगे, सबको याद है एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला, एडजॉइंट मेथड में हमेशा कोफैक्टर्स निकालते वक्त हमने एक फॉर्मूला सीखा था, जैसे कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है ए 11, फॉर्मूला क्या होगा माइनस 1 रेस टू आई प्लस जे, तो आई प्लस जे हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 इंटू एम 11, ठीक है। बेसिक लेक्चर में हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा था ए 11 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आई और जे तो देखिए रो और कॉलम दोनों 1 है और यहाँ पे आएगा एम 11। अब माइनस 1 रेस टू 2 इंटू एम 11 की वैल्यू, तो हम लोग हमेशा ए में देखेंगे एम 11 की वैल्यू, अच्छा ये 2 इंटू 2 का सम है तो एम 11 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, उल्टा जाएंगे हम लोग उल्टा, ये हमारा ए 11 होता है, ये ए 12,
ये A21 A22 स्मॉल में, तो वैसे ही अगर हम m की बात करें माइनर, तो m कैसे निकलेगा, उल्टा, ये हमारा -2, m11 m12 m21 एंड m22, तो ये हमारा क्या है m11, हमने वहां पे लिया -2, ठीक है। यहां पे क्या आ गया हमारा -1 का स्क्वायर, सबको पता है, मैंने बताया था उस लेक्चर में कि -1 जब उसका स्क्वायर हो, ऊपर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, ऊपर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 1 -2 = -2, मल्टीप्लाई करके हमारा A11 का आंसर क्या आ गया -2। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं A12, ठीक है। आप लोग A12 जो है वो नीचे निकालोगे, मैंने बाजू में किया। A12 = -1 raised to 1+2 into m12। m12 की वैल्यू क्या बनेगी, हम उल्टा जा रहे हैं, ये m11, ये क्या हो जाएगा हमारा m12, m12 क्या है हमारा 6, ठीक है, सबको याद है ना एडजॉइंट मेथड। तो ये अब ये क्या है ऑड नंबर, आंसर क्या आएगा नेगेटिव, यानी -1 into 6, दैट इज -6, ये क्या निकला हमारा A12। राइट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट A21। तो स्टूडेंट्स हमने निकाला A11 A12, 2 into 2 का ऑर्डर है, अब हम क्या निकालेंगे A21 फिर A22। A21 के लिए फॉर्मूला -1 raised to 2+1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, दैट इज 2+1, राइट है ना, इनटू m भी क्या होगा हमारा 21, -1 raised to 3 इनटू ये M11, ये M12, ये क्या होगा M21, दैट इज 3, नाउ -1 raised to 3, दैट इज -1 into 3 = -3, ये हमारा क्या आ गया A21, यहाँ पे हमारा क्या आ गया A21। अब इससे नीचे हम क्या निकालेंगे A22, अब A22 कैसे निकालेंगे हम, -1 2+2 इंटू, यहाँ पे क्या है A22 है, हमने क्या लिखा -1 2+2, यहाँ पे क्या आना चाहिए M22। अब -1 raised to 4 इंटू M22 की वैल्यू क्या होगी हमारी, अब 2, ये हो गई हमारी 2। यहाँ पे ऊपर क्या है देखिए, इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव आएगा 1 into 2, दैट इज 2, हमारा आ गया A22, कितना आ गया हमारा A22 2। अब एडजॉइंट मेथड में हम आगे क्या करते थे, यहाँ पे हमारे चारों को फैक्टर्स आ गए A11 A12 A21 A22, राइट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे को फैक्टर्स निकल गए तो आगे हम क्या निकालते हैं हमेशा ADJ, ADJ means adjoint, तो adjoint ADJ, adjoint A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, राइट है, फॉर्मूला क्या था हमारा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ADJ इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी कि कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट, अब इज इक्वल टू हमारा कोफैक्टर्स क्या है हमारा, सबसे पहले तो कोफैक्टर्स हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स क्या आया है हमारा, देखिए कोफैक्टर्स क्या था, A11 A12 A21 A22 के चारों वैल्यू मिल गई, A11 में कितना मिला -2, A12 -6, A21 -3 एंड A22 दैट इज +2, ठीक है, यह है -6 A12 की वैल्यू। हमें क्या करना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज यानी कि जो रो है उसे हम कॉलम बना देंगे, -2 -6 ये रो है, क्या लिख दिया हमने इसको कॉलम में लिख दिया, राइट है। अब ये भी रो है हमारा -3 और 2, इसे भी हमने क्या लिख दिया कॉलम में। अब हमारा ये क्या आ गया ADJA, that is adjoint A, ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, हम थर्ड स्टेप में हमेशा क्या निकालते हैं
ए इनवर्स, अब निकलेगा ना हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स तो हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इस सम में, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे लिखा था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, सपोज इसको हम लिखे इक्वेशन वन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमारे पास x की वैल्यू इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो उसके लिए हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए इनवर्स हम सब में निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला सबको याद है, वन अपॉन ए मैट्राइसेस इन टू ए डी जे ए, याद है एडजॉइंट ए या सिर्फ एडजॉइंट लिखे हम, तो वन अपॉन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया था, आंसर कितना आया था हमारा -22, तो वन अपॉन -22 ए डी जे ए कितना आया हमारा, दैट इज -2 -3 -6 2, क्लियर है। अब ये माइनस जो है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं हम, तो -1 अपॉन 22 दैट इज -2 -3 -6 2, ये हमारा क्या है ए इनवर्स। अच्छा सब अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक हमने किया था सिर्फ मेथड ऑफ एडजॉइंट, इस सब में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, यानी फाइंड द वैल्यू किसका, एक्स का। ये देखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना, इसमें हम अब सारी वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, करेक्ट। अभी हमने यहाँ पे निकाला ए इनवर्स का वैल्यू जो कि हमारा ये आया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू, यानी हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, x और y की वैल्यू, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया है इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू ए इनवर्स p, इसमें हम a इनवर्स और p दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू ए इनवर्स p, x x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इनवर्स की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 22, यहाँ पे -2 -3 -6 2, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 5 4, राइट है, b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5 and 4। तो यहाँ पे देखिए x है, ये जो कैपिटल x था हमारे पास, कैपिटल x की वैल्यू भी हमने x और y रखी थी, या तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें या तो एंड में, हम यहीं पे पुट कर देते हैं x y। अब यहाँ से हम सम सॉल्व करते हैं, अब बीच में साइन कौन सा है, दो मैट्रिक्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा दैट इज -10, राइट है। फिर बीच में साइन कौन सा आता है, हमेशा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के वक्त प्लस का, अब -3 का मल्टीप्लाई 4 से दैट इज -12, राइट है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -6 का मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, +5 से दैट इज -30, अब साइन कौन सा आता है प्रोडक्ट में हमेशा प्लस का, तो हम लोग यहाँ पे देंगे प्लस 4 2 8, यहाँ पे जगह 4 2 8, अब -1 अपॉन 22 -10, यहाँ पे प्लस माइनस है क्या होगा माइनस, यानी कैसे होगा वो -10 -12, इस तरीके से होगा, आंसर क्या आएगा हमारा -22, आंसर क्या आएगा हमारा -22, -30 +8, आंसर क्या आएगा हमारा -22, 30 में से 8 जाएगा 22 आएगा, बिगर नंबर क्या है 30 है, साइन दूसरी का आएगा हमारे पास। अब बाहर देखिए -1/22 है, इससे मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये पूरा माइनस के साइन के साथ में अंदर लेके चला जाता हूँ, -22 डिवाइड बाय -22, इसे हम डिवाइड करते हैं, हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले भी, अब यहाँ पे भी नीचे -22 डिवाइड बाय -22 1 1 आ रहा है आंसर, यहाँ पे भी डिवाइड करने पे यहाँ पे भी डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होता है आपको पता है कि हम लोग मैट्रिक्स के अंदर जब उसे लेके जाते हैं तो हम लोग सारे नंबर से मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं हम इसे सबसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे माइनस था ना तो माइनस के साथ हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान देंगे ये जो माइनस का साइन ये न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हम वहाँ पे लेके जाएंगे, कि हमने यहाँ जब यहाँ पे वैल्यू निकाली थी कि 1/-22 था, इसे हम ऊपर लेके गए थे, यहाँ पे हमने निकाला ये वैल्यू, हमें क्या मिला एक्स वाई, हमें सबने यही बोला था कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे करेंगे
एक्स और वाई हमने यहाँ पे निकाला 1 और 1, यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड ऑफ इक्वलिटी, जो कि हमने प्रोडक्ट के वक्त ही सीखा है, मेथड ऑफ इक्वलिटी दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1, वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1, फर्स्ट सम हो गया हमारा 2.6 का। अब 2.6 में फर्स्ट जो है मेथड ऑफ इन्वर्जन, उसके स्टार्टिंग के जितने भी सम है मेथड ऑफ इन्वर्जन के, वो सारे सम आपको होमवर्क में करने हैं सेम इसी मेथड से। 2 × 2 ऑर्डर के भी और 3 × 3 ऑर्डर के भी, 3 × 3 ऑर्डर के जो सम है वो हम लोग कैसे करेंगे, 3 × 3 ऑर्डर के सम सेम एडजॉइंट निकालेंगे, बट एडजॉइंट निकालते वक्त यहाँ पे A11, A12, A13, A21, 22 और A23, A31, 32 एंड A33, राइट है। और वहां पे ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, M माइनर निकालते वक्त, माइनर निकालते वक्त हम वहां पे क्या करते हैं, मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को सारे सम करने हैं। आई होप ये सम सबको समझ में आया होगा। हमने x और y की वैल्यू निकाली है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से 4 मार्क्स के लिए सम बोर्ड में पूछते हैं।